पूरे देश में स्वच्छता की अलग जगा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान आज तक रक्सा में अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया। यही कारण है कि आज भी रक्सावासी कचरे के ढेरों के बीच अपना जीवन काटने को मजबूर है। स्मार्ट सिटी झांसी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर बसे बबीना विधानसभा का रक्सा क्षेत्र सरकार व जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। यहाँ मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो यहाँ पर वह सुविधाएं भी नहीं हैं जो कि व्यक्ति की प्राथमिकताओं में आती है। सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति ना होने से जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे इस संक्रमण रोगों से फैलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। रक्सा की कुछ जमीन नेशनल हाईवे की सीमा में आने के कारण यहाँ के प्रधान भी हाथ खड़े कर देते हैं। आलम यह है कि रक्सावासी की कोई सुनने वाला नहीं है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब तक हमारे क्षेत्र का सही निस्तारण नहीं हो जाता, हम किसी भी सरकारी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। रक्सा से कैमरामैन कोमल राजपूत के साथ रोहित सावला की रिपोर्ट। कुछ ग्रामीण लोगों से क्या कहना है उनका? जो नालियाँ साफ नहीं हो रही, क्या कहना है आपका? अभी हम लोग इसकी 2 महीना पहले लिखा हुआ पढ़ाई की एनएचए वालों वाले कहते हमारे पास पैसा इशू नहीं हो रहा है, लेकिन जबकि पैसा इशू हो चुका है भले वो काम कराने के लिए तैयार नहीं। लगभग कब से सफाई नहीं हुई है यहाँ पर? यहाँ तो सालों से नहीं हुई है। कितने साल हो गए? करीबन 1.5 साल से बिल्कुल कोई सफाई नहीं हुई। 1.5 साल से सफाई नहीं। यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं आवाज उठाते हैं? नहीं, कहते हैं लेकिन सुनते ही नहीं है। वाले कहते हैं हमें ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, हम बताइए क्या करें। अच्छा अच्छा, यहाँ के आपने ग्राम प्रधान वगैरह से कहीं कोई बात करी है कि यहाँ पर सफाई होना चाहिए? या वो ये कहते हैं कि हमारा काम नहीं है ये? अच्छा, मतलब कहते हैं कि ग्राम पंचायत का काम? ग्राम पंचायत का नहीं है, वो कहे हैं ना चाहिए आला था, मैं क्या करूँ इसको। कितने गांव लगते हैं यहाँ पर? जितने लोग यहाँ पर आते होंगे मार्केट करने के लिए? यहाँ करीबन आते हैं मेरे 42 गांव लगते हैं। 42 गांव? 42 गांव के लोग यहाँ पर रास्ता बाजार करने आते हैं? बाजार करने आते हैं। ये मेन रास्ता है, यहाँ सब मंदिर पर जाते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, सब बेकार हो जाता है, उन लोगों का अशुद्ध हो जाते हैं। नमस्कार मैं हूँ रोहित सावला, आप देख रहे हैं DP न्यूज दर्शन पोस्ट डिजिटल नेटवर्क। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त बबीना ब्लॉक के ग्राम पंचायत रक्सा में खड़ा हुआ हूं, मुख्य बाजार में। यहां पर मुख्य बाजार की जो हालत है वो आप देख सकते हैं। यहां पर रक्सा का मुख्य बाजार जो नालियों से नालियाँ हैं जो टूटी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं झलक किस तरीके की। यहाँ पर नालियों में सफाई नहीं हो रही है और काफ़ी ग्रामीण लोग जो हैं और जो भी यहाँ पर मार्केट करने आते हैं, काफ़ी रक्सा क्षेत्र जो है बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 30 से 35 गांव के लोग रक्सा में बाज़ार करने के लिए आते हैं और यहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। यहाँ पर सालों से नहीं हुई है सफाई, आखिर कहाँ गया मोदी जी का रक्सा अभियान? आइए दिखाते हैं आपको रक्सा की एक रिपोर्ट।